नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में उत्पादन प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से किसान नहीं कटा सके धान बेचने का टोकन। फसल का उत्पादन प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण ज्यादातर किसान टोकन कटाने से वंचित रहे। जिले में 38,222 पंजीकृत किसानों में पहले दिन धान बेचने के लिए केवल 23 को टोकन जारी किया गया। 23 किसान ही पहले दिन धान बेच पाए। किसान पटवारी कार्यालय का चक्कर काटने मजबूर हैं। कोरबा जिले में 41 समितियों के 54 उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू हो गई है। अब तक लगभग 40,472 किसानों ने कराया पंजीयन। इस वर्ष अब तक 8,164 नए किसान हुए पंजीकृत। इस वर्ष 1 लाख से 15 लाख क्विंटल अधिक धान खरीदी का अनुमान है। वर्तमान में 13,01,226 नग बारदाना उपलब्ध है। अवैध धान की आवक और बिक्री रोकने के लिए जिले में 15 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के सुभाष चौक में भाजपाइयों ने प्रति किलोग्राम रेत बेचकर जताया विरोध। कोरबा के बड़े उद्योगपतियों तक पहुंच रहा खनिज से लूट का हिस्सा। शहर के सुभाष चौक पर भाजपाइयों ने पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी के नेतृत्व में जिले के रेत घाटों के विधिवत संचालन को अनुमति देने हो रही देरी का अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। महंगे दामों पर रेत खरीद रही आम जनता यह समझ चुकी है, समय आने पर जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। भाजपाइयों ने धरना स्थल पर बोरे में रेत भी सजा रखा था। प्रतीक स्वरूप इसे 10 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया और भाजपाइयों ने कहा कि इस सरकार में माफियाओं के खनिज की लूट खसोट से आने वाले समय में रेत इसी तरह से मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो अपना आशियाना पीएम आवास योजना से बनाने का संजो कर रखे हैं, लेकिन रेत की कीमतों ने इनका बजट बिगाड़ कर रख दिया है। भाजपाइयों ने धरना स्थल पर मंत्री के शासन में रेत बिकेगी राशन में जैसी नारेबाजी कर रेत की नीलामी में हो रही देरी का विरोध जताया। 700 से 800 रुपए प्रति ट्रैक्टर मिलने वाला रेत वर्तमान में कमीशन खोरी के चलते 3 से 4 हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर मिल रहा है। एनजीटी की प्रतिबंध हटे 1.5 माह का लंबा समय गुजरने के बाद भी रेत घाटों को नहीं खोले जाने से इस अवैध उत्खनन व परिवहन में प्रशासन की मौन सहमति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महंगे दामों पर रेत मिलने से सबसे अधिक परेशानी मध्य व गरीब वर्गों को हो रही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिले के द्वारा आपको मालूम है कि 15 अक्टूबर को रियाल्टी शुरू हो जानी चाहिए, खदान चालू हो जानी चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में खदानें चालू हो चुकी हैं, लेकिन कोरबा जिला ही ऐसा मात्र है जहां खदान चालू नहीं हुई। आज बालू 3,000 से 4,000 रुपए तक बिक रहा है प्रति ट्रैक्टर, और मैं आपको बताना चाहूँगा 491 रुपया रियाल्टी का रेट है, और उसमें उसको ट्रैक्टर को और ट्रक को भर के देना है। लेकिन 1,000 रुपए आप जाके वहाँ किसी भी ड्राइवर से पूछ ले, 1,000 रुपए उन लोग लेते हैं। आज हमने नारा दिया है, मंत्री तेरे राज में बालू बिकेगा राशन कार्ड पे। इन लोग जन जागरण अभियान पद यात्रा माननीय नरेंद्र मोदी के और सेंटर के खिलाफ में महंगाई के विरोध में निकाल रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी को लोकल रेत नहीं दिख रही है, इतनी महंगी महंगी बिक रही है। आम नागरिक मध्यम वर्ग का आदमी रेत लेने में बेचारा कतरा रहा है। अगर आप आज अगर 3 से 4 हजार रुपए बालू है, 1200 रुपए ट्रैक्टर है, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 5 रुपए किलो प्रति रेत बिक रही बाजार में। हमने प्रशासन को चेताने के लिए और बताने के लिए इस तरह का आयोजन किया। देखिए, हमने पता किया था कि आपकी खदानें क्यों नहीं चालू होगी। आज 1.5 महीना होगा, इससे पहले तीन महीने पहले भी बंद थी। तो मालूम पड़ा, माइनिंग वालों का कहना है कि फाइल गई है कलेक्टर के पास, और कुछ ऐसा मामला है कि अभी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है 1.5 महीने से। मैं तो ये बोल रहा हूँ, 1.5 महीने में शासन चेंज हो जाता है, चुनाव हो जाते हैं, 45 दिनों में चुनाव हो जाते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, और 1.5 महीने की कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, वो समझ के परे है। मैं तो डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ, जो इन्होंने बरसात
बरसात से पहले स्टोर किया था बालू को, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसी बालू को अभी भी बेच रहे हैं। और गंभीर आरोप ट्रैक्टर वालों को बेचारों पे लगाते हैं, जो बेचारे 200 400 500 हजार का काम करते हैं कि आप चोरी कर रहे हो, रेती चोरी कर रहे हो। रेती चोरी नहीं कर रहे हैं उन लोग, इन लोग करवा रहे हैं रियलिटी को, जो उनका स्टोर है। छत्तीसगढ़ सरकार या भूपेश की कांग्रेस सरकार जो है, यह लगातार ये और इनके मंत्रिमंडल पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं, और उसी के तहत यहाँ जो रेत माफिया, कोल माफिया, ये सब बहुत सक्रिय हो गए हैं। हर जगह कमीशन खोरी चल रही है, और जो मनमानी है कर रहे हैं, वो चाहे शासन सत्ता प्रशासन हो, सभी लोग मिलजुल करके बांट छूट करके खा रहे हैं और पूरी मनमानी करते जा रहे हैं। आज उसी संदर्भ में हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के तत्वाधान में इन सभी के साथ मिल करके यहाँ पे आज हम लोग रेत, जो कि अहम मुद्दा है, एक गरीब से लेके एक मध्यम वर्गीय परिवार तक जो कि अपने मकान बनाते हैं, तो उन्हें लगता है कि रेत सरिया या जो सीमेंट है वो एक अच्छे दाम में मिलना चाहिए ताकि वो अपने सपनों का घर बना सकें। लेकिन आज के तारीख में सब जगह रेत के जो उत्खनन का जो उनका रॉयल्टी वाला जो चीज़ खुलना था, आज कोरबा में आज तक यह नहीं हुआ है। और हमारी शासन सत्ता प्रशासन से मांग है कि रेत जो पहले भी जो 600-800 रुपये में ट्रैक्टर मिला करता था, पुनः हमें वही मिले, जबकि आज वही ट्रैक्टर 2000 से 3500 तक रुपये में लोग मनमानी दामों में बेच रहे हैं, और लोगों को जो कोरबा शहर की जनता है उन्हें अपना सपनों का मकान बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो जनता की आवाज़ बनकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हम लोग आज रेत बेचने आए हैं। चाहे जिसकी जो डिमांड हो, ट्रैक्टर चाहिए तो ट्रैक्टर ले जाइए, पैकेट चाहिए तो पैकेट ले जाइए, और पौआ अगर रेती चाहिए तो पौआ भी ले जाइए, लेकिन अपने घर में जाकर के सही दाम का रेत लगा करके अपने सपनों के मकान को तैयार कीजिए। और ये जो कांग्रेस सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको जल्दी से जल्दी कुर्सी से हटाइए ताकि पुनः आपको सही दाम के सभी चीज मिल सके। इसलिए आज हम सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और मंत्री तेरे शासन में रेत मिलेगा राशन में, यही एक नारा लेकर के हम लोग सभी चल रहे हैं। धरने में भाजपा के पूर्व विधायक लखनलाल देवांगन, भाजपा नेता ज्योति नंद दुबे, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, निगम के नेता प्रतिपक्ष शीतानंद अग्रवाल, गोपाल मोदी, मनोज पाराशर, सतीश झा, योगेश जैन, विकास झा, नवीन पटेल, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के करतरा थाना क्षेत्र के पसरखेत मेले में हुए विवाद पर डायर 112 के चालक और पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में घायल चालक और पुलिसकर्मी का उपचार निजी और जिला अस्पताल में जारी है। करतला पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल डायल 112 के चालक अजय कुमार श्रीवास और आरक्षक जयराम सिंह कंवर को इवेंट मिला था कि ग्राम पंचायत पसरखेत बाजार में लगे मेले में कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तब तत्काल ग्राम पसरखेत पहुंचकर मेले में हो रहे झगड़े को शांत कराया। रात 10 बजे चालक अजय श्रीवास का ड्यूटी चेंज हो गया, चालक ईश पटेल ड्यूटी पर तैनात हुआ। मेला ड्यूटी के रात्रि करीब 12 बजे वापस आने वाहन चालक ईश पटेल के साथ वाहन लेकर रवाना हो रहे थे, तभी कुछ लोग डायल 112 वाहन पर पत्थर मारने लगे, जिसे देखने के लिए वाहन चालक ईश पटेल वाहन से बाहर निकला। 6-7 लोग अपने हाथ में रखे डंडे से ईश पटेल को मारने लगे। बीच बचाव के लिए आरक्षक जयराम पटेल, करण कंवर, सुरेंद्र कुर्रे आए तो उन्हें भी ग्रामीणों ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाया। आहत ईश पटेल को उपचार के लिए न्यू कोरबा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, वहीं अन्य साथियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईश पटेल जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, मामले की रिपोर्ट पर करतला थाना में अपराध दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पसरखेत में मेला हो रहा था तो घूमने गए थे, फिर घूमने के बाद मेरे पति हमें घर छोड़ने गए, और घर छोड़ने के बाद फिर वापस ड्यूटी में आए। ड्यूटी में आने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, फिर उसके बाद भैया पुलिस वाले भैया थे वो मेरे पति को लेकर हॉस्पिटल आए, न्यू कोरबा में ले आए। एडमिट करने के बाद 3 बजे रात को
फ़ोन करके बताया गया कि मुझे तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे, आपके पति को चोट लगा। कुछ लोग शराब पी कर गाली गलौज कर रहे थे, तो नीला में उनको तो चाट में चोट लगाए थे। इसका 112 को तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो डर कर देखे मेरे पति और जितने स्टाफ थे, फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट कर दी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रोजगार की मांग को लेकर 4 किलोमीटर तक निकाला कुसमुंडा के भूविस्थापितों ने मशाल रैली। मांगे पूरी नहीं हुई तो खदान बंद करेंगे। एसीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के भूविस्थापित रोजगार की मांग को लेकर एसीसीएल के कुसमुंडा मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भूविस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले 29 दिन से चल रहा है। कुसमुंडा खदान को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद धरना स्थल पर आक्रोश सभा आयोजित किया और एसीसीएल कुसमुंडा मुख्यालय से 4 किलोमीटर तक मशाल रैली निकालकर एसीसीएल के खिलाफ नारेबाजी की। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि पुनर्वास और रोजगार के लिए भूविस्थापित परिवार भटक रहे हैं। रोजगार एकता संघ के सचिव दामोदर व उपाध्यक्ष रेशम यादव ने कहा कि सरकार को विस्थापितों को ऐसा जीवन प्रदान करना चाहिए जिससे उनको लगे कि उन्होंने अपनी जमीन नहीं खोया है, इसलिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलीडे पैकेज इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनुप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT is the new MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब SStar नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CS-based पावर सिटी, पुष्पल्लभ, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT is the new MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT Digital New MPEG 4 box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में SECL में रोजगार दिलाने के लिए नाम राशि लेने वाले अप्रेंटिस संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर प्रशिक्षु अप्रेंटिसों ने दीपका थाना में शिकायत की है। शिकायत में पीड़ित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार निर्मलकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अप्रेंटिस प्रशिक्षु जिन्होंने ACCL में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है उन्हें अप्रेंटिस की नियमितीकरण संविदा व आउटसोर्सिंग से नियोजन की मांग को लेकर पिछले 16 नवंबर से भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ के अध्यक्ष सुशील निर्मलकर के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा था। 22 नवंबर को सुशील निर्मलकर के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया कि ACCL प्रबंधन और संघ के बीच आउटसोर्सिंग में रखे जाने के लिए समझौता हुआ है। यह भी बताया गया कि ACCL प्रबंधन ने लिस्ट मांगा है, उसी लिस्ट के अनुसार नौकरी में रखे जाने की बात कही गई। इसके एवज में फॉर्म के साथ 1000 रुपए मांगा गया, यदि पैसा नहीं देंगे तो लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने की बात कही गई। प्रशिक्षुओं ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारों से नौकरी लगाने के नाम पर 1000 रुपए लेकर लाखों रुपए जमा कराए गए हैं। 27 नवंबर को बिना किसी अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सूचना दिए हड़ताल यहां समाप्त कर दिया गया कि प्रबंधन व जिला प्रशासन को लिस्ट सौंप दिया गया है, उन्हें नौकरी जल्द ही दी जाएगी। जबकि ACCL प्रबंधन ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि आउटसोर्सिंग में रखे जाने वाले लिस्ट मांगे जाने की बात निराधार है। प्रबंधन से स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में जब भी भर्ती होगी उसमें प्रशिक्षु अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से प्रशिक्षुओं का कहना है कि सुशील निर्मलकर द्वारा उन्हें इस तरह ठगा गया है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी की न्यायिक जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सुशील निर्मलकर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक मैसेज वायरल किया गया जिसमें उसने आउटसोर्सिंग पे रखे जाने वाली बात को मैनेजमेंट से बात हो गई कर सभी लोगों को व्हाट्सअप किया गया और बोला गया कि सभी लोगों को मैनेजमेंट द्वारा आउटसोर्सिंग में रखा जाएगा। और उसने अपने भारतीय राष्ट्रीय IT अप्रेंटिस संघ का एक फॉर्म दिया जिसके एवज में उसने 1000 रुपये सभी से डिमांड किए और बोला कि जो यह फॉर्म भरेगा उसी का नौकरी लगेगा, जो यह फॉर्म नहीं भरेगा उसका नौकरी नहीं लगेगा। इस प्रकार लोगों को गुमराह करके उसके द्वारा 1000 रुपये का डिमांड किया गया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ACCL में सर लगभग 5500 संख्या है अप्रेंटिस ट्रेनियों की। हम सभी अप्रेंटिस छात्र यहाँ पर आए हुए हैं सुशील निर्मलकर जी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए, क्योंकि उनके द्वारा हमारे साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। अभी विगत 16 तारीख से एक हफ्ता का अनिश्चितकालीन हड़ताल कहकर एक हफ्ते में समाप्त कर दिए और उनका कहना था कि मैनेजमेंट हमको आउटसोर्सिंग में रखने वाला है, ऐसी हमारी बात हो गई है। 38,124 रुपये मासिक पेमेंट के साथ में मेडिकल फैसिलिटी और क्वार्टर की सुविधा भी ACCL देगा, ऐसा कहकर सभी छात्रों से 1000 रुपये चंदे के नाम पर वसूली कर लिए और ऐसे लाखों कम से कम जिसका कोई निश्चित नहीं है कई लाख रुपए वह इकट्ठा कर चुके हैं और उसका हिसाब किताब भी उनके द्वारा नहीं बताया जाता है। पिछले बार भी ऐसा कई हड़ताल में वह कर चुके हैं और इसी के खिलाफ हम लोग आज यहां पर दीपका थाने के अंतर्गत उनके नाम से FIR दर्ज कराने आए हुए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने पूरा किया ग्रामीणों का भरोसा। बिहारचुआ में धान खरीदी केंद्र स्वीकृत कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने पिछले दिनों ग्रामीणों से किया वादा पूरा कर दिखाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत से पिछले दिनों मिलने पहुंचे ग्रामीणों ने सांसद से मांग की थी कि ग्राम बिहारचुआ में धान खरीदी केंद्र की अनुमति प्रदान की जाए। राज्य सरकार द्वारा विगत दिनों आदेश जारी कर नए धान खरीदी केंद्रों की स्वीकृति दी गई थी किंतु ग्राम बेहरचुआ इसमें शामिल नहीं था। ग्रामवासियों ने इस पर मायूसी जाहिर करते हुए सांसद से मिलकर
गुहार लगाई थी। सांसद ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों को दिया गया भरोसा सांसद ने पूरा कर दिखाया और छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने 21 नए धान खरीदी केंद्रों की स्वीकृति में ग्राम बेहरचुआ विकासखंड करतला को भी अनुमति प्रदान की है। सांसद की पहल से बेहरचुआ को धान खरीदी केंद्र मिलने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। कांग्रेस कमेटी कोरबा ब्लॉक ग्रामीण के अध्यक्ष अजीत दास महंत सहित ग्रामवासियों ने सांसद के प्रति आभार जताया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बालकोनगर पुलिस ने मोटरसाइकिल और साइकिल चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल व 12 साइकिल बरामद किया है। दरअसल प्रार्थी श्यामलाल उराव ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि बालकोनगर के साप्ताहिक बाजार में अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा कर बाजार के अंदर सब्जी लेने गया था। वापस आकर देखा तो प्रार्थी का मोटरसाइकिल नहीं था। इस रिपोर्ट पर थाना बालकोनगर में अपराध कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। वही एक छात्र ट्यूशन पढ़ने गया था जिसकी साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट परमानंद कहार के द्वारा किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना स्तर पर टीम गठन कर बालको टाउनशिप में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति स्कूली छात्र की साइकिल ले जाते दिखा। फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान भूपेश उर्फ राहुल साहू भदरा पारा के रूप में हुआ, जो बालकोनगर थाने का निगरानी बदमाश है। भूपेश उर्फ राहुल को भदरा पारा में घेराबंदी कर पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। उसके कब्जे से व अन्य जगहों से 2 मोटरसाइकिल व 12 साइकिल बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी। चूंकि पूरा थाना क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से घिरा हुआ है, तो इस सूचना पे मोटरसाइकिल चोरी और साइकिल चोरी की अपराध पंजीबद्ध किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें बालको थाने का एक निगरानी बदमाश है भूपेंद्र साहू उर्फ राहुल, जो बंदापारा निवासी है, उसको साइकिल लेके बीटीआई स्कूल से साइकिल लेके जाते हुए देखा गया। इस तरीके से उसको बुलाकर पूछताछ किया गया तो उसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 12 साइकिल बरामद की गई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में रिश्ते को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। 9 साल की मासूम बेटी के साथ पिता ने 3 माह किया दुष्कर्म। बीमार होने की वजह से मां अस्पताल में 6 दिन दाखिल रही। इस बीच घर पर अकेली 9 साल की बेटी पर उसके अपने पिता की नीयत बिगड़ गई। पिता ने बेटी को पहले खूब डराया धमकाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने रामपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई। रामपुर पुलिस आरोपी पिता के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस चौकी रामपुर के क्षेत्र में एक पिता के द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 14 वर्ष है, उसके साथ प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ किया गया था, जिसमें रामपुर चौकी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। मामले में मेडिकल सभी करा लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन में है मामला। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रोड, क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलिडे पैकेज इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनुप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़।
NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब ऐसे स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्री जमनी पाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लभ साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रूपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रूपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। मितानिनों ने प्रतिमाह 10,000 प्रोत्साहन राशि सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मितानिनों से समस्त विभागों में काम कराकर उनके सहयोग और मेहनत की उपेक्षा की जा रही है। शासन की ओर से मितानिनों को उनके कार्यों का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। प्रतिमाह उन्हें 10,000 रूपए प्रोत्साहन राशि दी जाए, जिससे उनके पारिवारिक भरण पोषण में आसानी हो। इस आशय सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला मितानिन संघ की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी। महिलाओं ने बताया वर्ष 2012 से उनकी नियुक्ति की गई है। लंबे समय से सेवा देने के बाद भी उन्हें कार्य के अनुरूप मानदेय नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं ने अपने अन्य मांगों के बारे में बताया कि सभी मितानिनों का बीमा कराया जाए, प्रोत्साहन राशि में प्रति वर्ष 10% बढ़ोतरी की जाए। मितानिनों ने मांग में इस बात का भी उल्लेख किया है कि वे स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर अन्य विभाग का काम नहीं करेंगी, नियुक्ति से लेकर अब तक की पूरी मानदेय दी जाए, योग्यता के अनुसार प्रत्येक मितानिन को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति किया जाए, आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, किसी भी अधिकारी द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार न किया जाए। मितानिनों ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि उनकी 9 सूत्री मांग को पूरा करने के अलावा कोरोना काल में किए गए कार्यों की राशि दी जाए, जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, हम लोगों की नियुक्ति 9 साल हो गई है। 9 साल में हर कार्य, हर तरीके का कार्य हम लोग से दबाव पूर्वक करवाया जाता है और इसका कोई भी हम लोग को राशि ना मेहनताना दिया जाता है, ना हम लोग का कोई तनखा है, कोई पेमेंट हम लोग का ऐसा कुछ बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकारी हमको दबाव लगाते हैं। सर, सबके पति हैं या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं, मजबूरी बस हम लोग को करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई आय नहीं है, हम लोगों का कोई पैसा पेमेंट नहीं है करके, तो हम लोग गर्भवती और शिशुवती पे बिना पैसे के, हम लोग इसलिए पैसे की मांग करने नहीं आए हैं। हम लोग पैसे का मांग इसलिए कर रहे हैं, जब किसी अन्य विभाग से हमको कार्य दिया जा रहा है तो उसका मेहनताना तो हमें मिलना चाहिए। कुछ नहीं है, जो भी है वो नहीं के बराबर है। काम करते हैं, अगर संकुल बैठक कर रहे हैं या फिर टीकाकरण अगर है वहाँ पे मौजूद है तब उसका पैसा मिलता है, अन्यथा हम लोग को कोई पैसा नहीं मिलता है। अन्य विभाग नगर निगम का कार्य करते हैं, राशन कार्ड का कार्य का सत्यापन होता है तो हम लोग को बैठा दिया जाता है, आधार कार्ड का जब आधार कार्ड का सत्यापन होता है
तो भी हम लोग को बैठा दिया जाता है, या फिर और भी किसी भी विभाग में अगर आकस्मिक कोई भी जानकारी चाहिए होता है तो दबाव पूर्वक हम लोग को मुश्किल से घंटा दो घंटा का समय दिया जाता है, और चाहे हम लोग फर्जी भी रिपोर्ट दे दें तो भी हम लोग से ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय ही नहीं रहता, मजबूरी रहती है हमारी कि हम लोग कुछ उपलब्ध आंकड़ों से जितना हम लोग को उचित बनता है हम लोग उतना देते हैं। आज हम लोगों की मांगे हैं, एक तो हम लोग को मानदेय दें, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को मानदेय दे। दूसरा, अभी 100 बेड में या फिर स्वास्थ्य विभाग में नई नई भर्तियां हो रही हैं, हम लोगों की 9 साल से नियुक्ति है, और कुछ नहीं तो कम से कम गर्भवती माता या शिशुवती माता के लिए जो भी आ रहे हैं बीएससी, एकदम फ्रेशर को लिया जा रहा है, तो 9 साल हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, तो किस लिए दिया गया? 9 साल के ट्रेनिंग में, 9 साल में हम लोग डिलीवरी ले जाके इतना तो जान गए हैं कि एक प्रसूति माता को, एक शिशुवती माता को किस चीज की जरूरत है, तो कम से कम योग्यता अनुसार उस जगह पे हम लोगों को भर्ती ली जाए, और जो भी हम लोग का कार्य करवाते हैं उसका हम लोग को मेहनताना दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार का है कि कम से कम सरकारी कर्मचारी जो हैं उनका कम से कम 10,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र में कक्षा 8वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें अपने माता पिता से माफी मांगते हुए कहा है कि आप लोगों से दूर जा रही हूं, दुखी मत होना। सुसाइड नोट में आत्महत्या करने की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। दरअसल विद्युत कंपनी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ सत्यनारायण सिदार अपने परिवार के साथ सीएसईबी पूर्व कॉलोनी में रहते हैं। बच्चा नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने रिश्तेदार जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा निवासी रोहित की 15 वर्षीय पुत्री प्रियांशी सिदार को अपने घर में रखे थे। प्रियांशी विद्युत गृह उत्तर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं की छात्रा थी। सत्यनारायण ने पुलिस को बताया कि रात में सभी लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। प्रियांशी भी अपने कमरे में सोने चली गई थी। चूंकि उनकी पत्नी भी टीचर है इसलिए वह तैयार होकर पढ़ाने के लिए स्कूल चली गई, लेकिन प्रियांशी नहीं उठी। काफी समय बीतने के बाद भी जब प्रियांशी बाहर नहीं आई तो उसे उठाने का प्रयास किया, पर दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, तब परिजनों को संदेह हुआ। उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला तो अंदर प्रियांशी का शव लटक रहा था। उसने अपने चुन्नी से पंखे के सहारे फांसी लगा ली थी। पुलिस का कहना है कि अभी तक पूछताछ में उसे कोई परेशानी नहीं होने की जानकारी मिली है। शव के पास से ही सुसाइड नोट मिला है। रामपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब घटना के बारे में तो मैं मतलब पहले से क्या होना क्या हो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम लोग जब सुबेरे उठाए ना उसको, जैसे वो रोज लेट में उठती थी, तो आज भी इसी लेट में मतलब अब स्कूल जाना रहता है उसको 10 बजे, तो हम लोग मतलब मिसेज पहले गई, उठो ना जी अभी तक सो रही हो, स्कूल जाना है, कैसे नहीं उठ रही हो करके दरवाज़ा को मतलब वो बजाई उसको, कुछ रिस्पांस नहीं मिला उधर से। फिर मेरे को बुलाई, अभी तक नहीं उठ रही है, स्कूल जाना है ऐसे करके। फिर मैं गया, फिर मैं भी चिल्लाया उसको कि प्रियांशु स्कूल जाना है उठो ऐसे करके, फिर कुछ रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैं दरवाज़ा को ना मतलब उठो उठो ऐसे करके धक्का दिया, मतलब बजाया उसको उठो, तो दरवाज़ा खुल गया तो देखा ना, तो फिर वो मतलब फंदा लगा के पंखे से लटकी हुई थी। ये असिस्टेंट सब इंजीनियर है सत्यनारायण सिद्धार्थ, ये मूल रूप से माल खरौदा जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला है, यहाँ DSPM प्लांट में नौकरी करता है। इसका रिश्तेदार है जाजंग शक्ति के पास, तो वो लोग थोड़ा कमज़ोर हैं, तो उसकी एक बच्ची को कुमारी प्रियांशु सिदार करके पढ़ाने लिखाने के लायक थी, और 8वीं कक्षा में इसको विद्युत गृह मंडल में भर्ती किए थे, अच्छे से रह रहे थे। कल रात में ये ड्यूटी करके आया था, और खाना उना खा के बच्ची अपने रूम में चली गई थी 10:30 बजे करीब सोने के लिए। उसके बाद सुबह स्कूल जाने के लिए इसको आवाज़ दिए तो उठे नहीं, तो दरवाज़ा को अच्छा से ज़ोर से खटखटाए तो देखे तो ये फांसी में लगा के लटकी थी। फांसी क्यों लगाई है अभी तक तो कोई जानकारी नहीं बताए हैं, किसी बात की परेशानी नहीं थी। जांच में जो भी आएगा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई। नोट्स मिला है ना, मम्मी पापा है ना, मैं तुम लोगों से दूर जा रही हूँ, दुखी मत होना, ऐसा करके लिखा है, कोई कारण नहीं लिखा है इसके कारण मर रही। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।